नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उनको आप एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और कृपया करके फेक कमेंट से आप सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा करी थी, वहां पे हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो पॉजिटिव था। उसके पीछे कारण ये था कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, मार्केट ओपन होते ही हमें डेटा पॉइंट्स ने संकेत दे दिया था कि मार्केट आज अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो नहीं करेगी। अब आप कहेंगे कि मार्केट बंद होने के बाद तो ये कोई भी कह सकता है, लेकिन दोस्तों ये हमें मनी फ्लो की सहायता से लाइव मार्केट के दौरान ही पता चल गया था। तो यही अपडेट मैंने सुबह 9:30 बजे शेयर किया था कि मार्केट आज कल का जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है उसको फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था बाइंग प्रेशर के मुकाबले। हमारा आज का न्यूट्रल पॉइंट 19326 था और मार्केट के सेंटिमेंट्स हमें वीक दिखाई दे रहे थे। तो बेसिकली मार्केट का जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट सेम था जैसा कल का मार्केट का सेटअप था। तो वही हुआ, 9:30 के बाद मार्केट यहां से नीचे गई, लगभग 70 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे आई। यहां पे जो लेवल्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का न्यूट्रल पॉइंट था 19326, एल्गो पॉइंट हमारा 19315 है और कल का न्यूट्रल पॉइंट था 19362। तो यहाँ पे मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई जहाँ पे एल्गो पॉइंट के ऊपर मार्केट को रेजिस्टेंस देखने को मिला। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई, यहाँ से फिर मार्केट को शॉर्ट कवरिंग और कैश बाइंग की सहायता से ऊपर लेके जाया गया। अब इस चीज का ध्यान रखिए कि जो कल की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड थी लॉन्ग पोजीशंस, तो न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे बाइंग और सेलिंग प्रेशर बराबर होता है। तो बेसिकली मार्केट को क्यों कल के न्यूट्रल पॉइंट तक वापस लेके जाया गया, उसके पीछे कारण ये था कि जो लॉन्ग पोजीशंस यहां पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे प्लेयर्स, वो अपनी पोजीशन कल के न्यूट्रल पॉइंट के पास उन्होंने क्लोज कर दी ताकि उनको नुकसान ना हो या उनको एक नॉमिनल प्रॉफिट हो। तो हमें यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट के पीछे का बेसिक लॉजिक क्या होता है वो हमें समझना जरूरी है। तो यही वजह थी यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर कल के न्यूट्रल पॉइंट के पास रुकी, जो कल की लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड थी उनको यहाँ पे क्लोज किया गया ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे या नॉमिनल से प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन फिर यहाँ पे वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गई और मार्केट की क्लोजिंग जो है एल्गो पॉइंट के ऊपर हुई। तो दोस्तों, मैं आपको जो पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये लेवल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पे जो रूल्स होते हैं वो भी हमें देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आज का जो न्यूट्रल पॉइंट था उसको एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया गया ऊपर की तरफ, फिर उसको एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया गया नीचे की तरफ। तो मार्केट ने जो है इस चीज़ को सही साबित किया कि जो हम न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और मार्केट ने जो है हमें सुबह ही संकेत दे दिया था कि कल का जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है जो कि पॉजिटिव था उसको मार्केट आज फॉलो शायद ना करे। अगर हम आज कैश एक्टिविटी की बात करें तो कोई खास एक्टिविटी कैश के अंदर बड़े प्लेयर्स के द्वारा हुई नहीं। मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए रिलायंस ने भरसक कोशिश करी लेकिन वो लेके नहीं जा सका। नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में आईटी स्टॉक्स और एचडीएफसी बैंक और इसके अलावा बजाज बंधु थे। कैश का मनी फ्लो आज नेगेटिव था। यहाँ पे आज की जो सेलिंग की गई वो शायद रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा ज़्यादा की गई। तो क्लोजिंग बेसिस पे कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था। D2C रेशो भी यहाँ पे सजेस्ट करती है कि आज बेसिकली कैश बेस सेलिंग थी। कैश ने मार्केट को कंट्रोल किया लेकिन कैश बेस सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन की बात करें तो बेसिकली जो ऑप्शन चेन का मनी फ्लो है FIIs का,
वो यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव है, आज भी हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर इंडेक्स भी हमें शॉर्ट कवरिंग करता हुआ दिखाई दिया गया, और जो कि एक न्यूट्रल संकेत है। बड़े FIIs की पोजीशंस की बात करें तो यहाँ पे जो FIIs हैं उन्होंने लगभग 9800 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया, तो उनकी जो एक बड़ी पोजीशन थी मेरे हिसाब से 11000 वाली पोजीशन को क्लोज कर दिया गया 19300 के आसपास, जो कि प्रॉफिट में थी। इस समय केवल दो बड़ी पोजीशन ओपन है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फ्यूचर्स अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो प्राइस डाउन हुआ, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, तो बेसिकली ये लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और मनी फ्लो जो है वो विपरीत संकेत दे रहे हैं, लेकिन हम हमेशा यहाँ पे मनी फ्लो के साथ जाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। वीडियो नहीं पसंद आ रहा है वीडियो को डिसलाइक करिए, चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम समरी के तौर पे देखें तो जो सरफेस मनी फ्लो है वहाँ पे जैसा कि हमने देखा कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव था, फ्यूचर्स का मनी फ्लो न्यूट्रल था। तो बेसिकली यहाँ पे सरफेस मनी फ्लो हमें एक न्यूट्रल संकेत दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो मेजॉरिटी है वो हमें एक न्यूट्रल संकेत दे रही है। मेजॉरिटी इन द सेंस तीन में से एक पैरामीटर न्यूट्रल है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये हमें एक न्यूट्रल संकेत दे रहा है। FIIs की बात की जाए, कैश के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं, ऑप्शंस में मनी फ्लो पॉजिटिव, फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजिशंस को क्लोज किया गया, तो जो ये शॉर्ट कवरिंग की गई ये स्ट्रेंथ की तरफ इशारा करती है। तो FIIs का जो ओपिनियन है वो मार्केट के प्रति एक पॉजिटिव ओपिनियन दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की गई ये बेसिकली मार्केट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ऐसा किया गया। लेकिन कंक्लूजन के तौर पे क्योंकि ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव है हम इसको पॉजिटिव ही कह सकते हैं। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो के दौरान दिख गया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि जो ये पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए ये आपको आपके एनालिसिस में मदद करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजिशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स आधारित है, सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगले मार्केट सेंटिमेंट के वीडियो में सोमवार शाम को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी उम्मीद इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे मार्केट सेंटिमेंट के नए वीडियो में सोमवार शाम को।